गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करेंट अफेयर। ठीक है, पावर पॉइंट स्टडी का पढ़ रहे हैं आप, डेली करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, रोज की तरह डेली करेंट अफेयर। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसमें 18 जनवरी की डेली करेंट अफेयर। ठीक है, किसकी? 18 जनवरी की हम डेली करेंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, और आज है 19 जनवरी। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डेली करेंट अफेयर के बारे में, जो भी इसमें घटनाएं हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में। ठीक है, क्या किया सरकार ने? सरकार ने क्या किया? कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय ने क्या किया? विशिष्ट, कौन से विशिष्ट? विशिष्ट रेशो तथा क्या हुआ? विशिष्ट रेशो और जियोलॉजिस्ट, जियो टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल के क्षेत्र में। ठीक है, सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्या किया? कपड़ा मंत्रालय, विशिष्ट रेशो और जियो टेक्सटाइल टेक्सटाइल। ठीक है, जियो टेक्सटाइल के क्षेत्र में क्या किया सरकार ने? 80 करोड़, 80 करोड़ रुपए का क्या किया? निवेश किया। इसमें क्या है? 80 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसमें 20 महत्वपूर्ण, इसमें क्या है? 20 महत्वपूर्ण, क्या है? 20 महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजना है। ठीक है, क्या है? 20 महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजना। ठीक है, जिसमें क्या? कपड़ा मंत्रालय, विशिष्ट रेशे तथा जियो टेक्सटाइल के क्षेत्र में क्या किया सरकार ने? 38 करोड़ रुपए का क्या किया? निवेश क्या किया? 38 रुपये, 38 करोड़ रुपए की 20 महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजना का क्या किया? एक तरीके से शिलान्यास किया, इनके बारे में किया। इसमें पहले सरकार क्या कर रही थी? इसमें पहले सरकार 78 करोड़ रुपए, ठीक है, 78 करोड़ रुपए का क्या कर रही थी? 11 शोधन परियोजनाओं की शुरुआत कर रही थी। शुरुआत कर रही थी। ठीक है, सरकार क्या कर रही थी? 78 करोड़ रुपए की 11 संशोधन, मतलब 11 शोधित परियोजनाओं की क्या कर रही थी? एक तरीके से परियोजनाओं की शुरुआत कर रही थी। कितने? 78 करोड़ रुपए में। ठीक है, 78.6 करोड़ रुपए में क्या कर रही थी? 11 संशोधन परियोजनाओं की शुरुआत कर रही थी। कौन कर रही थी? सरकार। ठीक है, टाटा पावर रिव्यूएबल एनर्जी। ठीक है, किसने? टाटा ग्रुप ने, टाटा पावर रिव्यूएबल। ठीक है, क्या हुआ? रिव्यूएबल एनर्जी, रिव्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, रिव्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने क्या किया? यूपी, कहाँ पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तरीके से अपनी परियोजनाओं की शुरुआत की। किसने? टाटा पावर रिव्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने क्या किया? प्रयागराज। ठीक है, वाह, प्रयागराज, वाह, बांदा। ठीक है, क्या किया? टाटा पावर रिव्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने प्रयागराज और बांदा, जो कि कहाँ पे स्थित है? जो कि यूपी में स्थित है। यहाँ पर इसने इन्होंने क्या किया? इन्होंने 50 50 मेगावाट के क्या किया? इन्होंने 50 50 मेगावाट के 2 सौर
ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की। ठीक है, क्या किया इन्होंने? इन्होंने किया टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा यूपी के प्रयागराज और बांदा में, ठीक है, इन्होंने 50-50 मेगावाट के 2 सौर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की क्या की इन्होंने शुरुआत की। ठीक है, इस परियोजनाओं के शुरुआत में इसमें कितने पैसे लगे इन्होंने, इन्होंने जो मतलब इन इन परियोजनाओं के क्या करें, ये शुरुआत कर रहे हैं जिसके मतलब शुरुआत मतलब इतने से लगा रहे हैं, ठीक है, इन संयंत्रों से, ठीक है, इन संयंत्रों से सालाना, ठीक है, सालाना कितना, 221.26 मिलियन यूनिट से अधिक का उत्पादन होगा। ठीक है, मतलब इनसे सालाना संयंत्रों से कितना, 221.26 मिलियन यूनिट से अधिक का क्या होगा उत्पादन, किसका, बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है, इन संयंत्रों से इतने बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, किसके द्वारा, श्रम संगठन ने क्या किया 2022 में, ठीक है, 2022 में वैश्विक बेरोजगारी, क्या किया, वैश्विक वैश्विक बेरोजगारी में 207 मिलियन, कितना, 207 मिलियन होने का अनुमान लगाया, होने का अनुमान। ठीक है, क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया, 2022 में एक वैश्विक बेरोजगारी का सर्वे किया गया, जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि 207 मिलियन रुपए का होने का अनुमान लगाया, किसका, बेरोजगारी का, 207 मिलियन रुपए, मतलब एक तरीके से बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इस चीज़ को बताएं, इनके द्वारा ये बताया गया कि यह रुपए नहीं, 207 मिलियन, ठीक है, होने का अनुमान लगाया। ठीक है, इनके द्वारा बताया गया कि 2019 में ये कितना था, 21 मिलियन था, 21 मिलियन से अधिक था। ठीक है, मतलब एक तरीके से इस चीज़ को बताया कि 2019 और 2022 में, ठीक है, 2019 और 2022 में कितना बड़ा अंतर है। ठीक है, मतलब बेरोजगारी एक तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, ये सरकार को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया। ठीक है, और यह विश्व रोजगार, ठीक है, क्या हुआ, विश्व रोजगार, ठीक है, विश्व रोजगार और किसके द्वारा, सामाजिक, विश्व रोजगार और सामाजिक आउट, सामाजिक आउटलुक पर नवीन रिपोर्ट है, नवीनतम रिपोर्ट है। ठीक है, एक तरीके से सरकार को यह बताएगा कि मतलब बेरोजगारी कितनी ऊंचाई पर चढ़ रही है। ठीक है, ये सरकार को किन के द्वारा बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये बताया गया कि 2022 में बेरोजगारी कितनी हद तक बढ़ी है। ठीक है,
ठीक है, इसमें अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, जापान के पूर्व पीएम, ठीक है, जापान के पूर्व जापान के पूर्व पीएम, ठीक है, इनका नाम क्या है? तोशिकी कैम्फू। ठीक है, इनका क्या होगा? इनका जनवरी में निधन हो गया। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनका जापान के जो पूर्व पीएम थे जिनका नाम था तोशिकी कैफू, ठीक है, तोशिकी कैफू इनका नाम था। और ये क्यों, इनका नाम क्यों, इनके ये क्यों प्रसिद्ध एक तरीके से, जो कि जापान के पीएम है, तो उसके भी अलावा एक तरीके से उन्होंने कोई काम तो किया होगा जिससे ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इनको द्वारा बताया गया कि जय इन्होंने 1989 में 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या रहे थे, ये पीएम रहे थे। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 1989 में, 1989 से, ठीक है, 1989 से ये 2 वर्ष के लिए क्या थे, पीएम, मतलब एक तरीके से सत्ता पर थे। ठीक है, और कब तक रहे, ये नवंबर 1991 तक। ठीक है, ये क्या रहे, सत्ता में रहे, सत्ता में रहे। ठीक है, तो ये क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है, एक तरीके जापान की भी में, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें प्रसिद्ध है, तो इनका निधन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका निधन हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये प्रसिद्ध क्यों है, इस चीज़ को बताया गया यहाँ पे, इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने 1991 में फ्रांस, सॉरी 1991 फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में क्या किया तुमने, फारस की खाड़ी में समुद्री आत्मरक्षक बल, कौन सा समुद्री आत्मरक्षक बल, आत्मरक्षा बल भेजा था। एक तरीके से इन्होंने क्या किया था, अपनी सेना को भेजा था कहाँ पे, 1991 फरास की खाड़ी में समुद्री आत्मरक्षक बल को भेजा गया, जिसके कारण, मतलब एक तरीके से जिस इस रक्षा बल को भेजने के कारण एक तरीके से प्रसिद्ध हुए, और इसी बल को भेजने के कारण इनको इनके पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, इनको इनके पद से हटा दिया गया, ये मतलब, और एक तरीके से इनको इसके कारण से ये प्रसिद्ध हुए, और इसी कारण से इनको इनके पद से हटा दिया गया। ठीक है, क्या हुआ, उडुपी, उडुपी क्या है, 18 जनवरी को क्या हुआ, 18 जनवरी 2022 को उडुपी पर्याप्त दिवस मनाया गया। ठीक है, उडुपी उडुपी 18 जनवरी को पर्याप्त महोत्सव मनाया गया। ठीक है, ये उडुपी होता क्या है, ये और ये मतलब इसमें होता है कृष्ण जी की क्या होती है, पूजा होती है। ठीक है, जो कृष्ण जी भगवान की पूजा होती है 2 वर्ष में एक बार, एक तरीके से एक खास विशेष, मतलब जो मंत्री, मतलब एक तरीके से जो पूजा करता है पुजारी, एक तरीके से उसको विशेष तरीके का दर्जा प्राप्त है, जिसमें वो उडुपी महोत्सव के तहत कृष्ण जी की पूजा करता है। ठीक है, इसमें 2 वर्ष ही, ये कब से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 2 वर्ष में एक बार होती है। ठीक है, ये कब होती है, 2 वर्षीय, ठीक है, यह द्विवार्षिक, ठीक है, क्या है, यह द्विवार्षिक पर्याप्त प्रणाली, ठीक है, पर्याप्त प्रणाली जो कब शुरू हुई थी, 1522 ईस्वी में। क्या हुआ था, जो कृष्ण भगवान की पूजा होती है, तो उसके जो महंत होते हैं, ठीक है, जो पूजा करते हैं, उनके लिए, उनके तौर पर ये, मतलब एक तरीके से उन्हीं के लिए इस चीज़ का महोत्सव बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, मतलब ये पूजा करते हैं उनके, वो 2 वर्ष में, हर प्रत्येक 2 वर्ष में एक महान, एक तरीके से उत्सव मनाते हैं,
कि मतलब जैसे कोई भी भगवान की पूजा करता है तो एक तरफ तो मन में खुशी होती, तो उस खुशी को जाहिर करने के लिए ये उडुपी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, कृष्णापुर, इसमें क्या है, कृष्णापुर के मठ के न्यू पर्याप्त दृष्ट स्वामी, ठीक है, न्यू पर्याप्त दृष्ट स्वामी, ठीक है। कौन है, विद्यासागर को चुना गया, ठीक है, विद्यासागर को तीर्थ सर्वज्ञ पीठ, तीर्थ सर्वज्ञ पीठ पर क्या किया गया, पीठ पर चढ़ेंगे, ठीक है। एक तरीके से इसी में इन्होंने कृष्ण पीठ मठ के, ठीक है, उत्सव मनाया जाता है। और मतलब एक तरीके से चेंज करे जाते हैं, मतलब एक तरह से जो पूजा करने वाला हुआ वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी जगह कोई और आएगा। इस प्रणाली में ये भी होता है, ठीक है, क्योंकि 2 साल मतलब खुशी से अपनी पूजा करता है, उसके बाद जो भी चढ़ेगा तो जो हटा है वो भी खुशी मनाएगा, और जो पूजा करने के लिए उस पर उस पद का निर्वहन करेगा वो भी उस चीज़ का उत्सव मनाएगा, ठीक है। एक तरीके से इसका दृष्टि उत्सव के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। इसमें ये चीज़ हो गया, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ठीक है, कौन से, केंद्रीय पर्यावरण, सॉरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, राजमार्ग मंत्री, ठीक है। क्या नाम इनका, नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनवरी में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जनवरी एक माधव, ठीक है, माधव बाग के पावर, MAP का उद्घाटन किया, ठीक है। एक तरीके से इन्होंने क्या किया, सड़क परिवहन मंत्री ने, एक माधव के पावर, ठीक है, माधव बाग के पावर नाम से एक MAP उद्घाटन किया, मतलब एक जी एपिक है, ठीक है, जिसको उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो डॉक्टर लोग मरीजों का इलाज करते हैं, ठीक है, और मरीजों के इलाज में जिस बीमारी से वो पीड़ित है उसका बायोडाटा, और डॉक्टर जिस तरीके की दवाइयों का प्रयोग करेगा उस मरीज के ऊपर उसका बायोडाटा, और मरीज के माध्यम से सुझाव लिया जाएगा कि आपने किस तरीके से इस बीमारी पर कंट्रोल किया और आप मतलब ठीक हैं कि नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका बायोडाटा इस MAP ऐप में दिया जाएगा, ठीक है, एक दिन मेडिकल के रूप में इस ऐप का उद्घाटन है, ठीक है। ये भारत में फर्स्ट, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट इंटेलिजेंट्स, इंटेलिजेंट क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, पेशेंट हैविक, ठीक है, पेशेंट हैविक
टेक्निक सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? ये इंडिया का पहला ऐसा है जिसमें इंटेलिजेंस क्रॉनिक क्रॉनिक डिजिट डिजिट पेशेंट हॉबेक टेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रिंकिंग सॉरी ट्रिंकिंग सिस्टम है। ठीक है, एक तरीके से इस सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है कि मतलब किसी प्रकार की मतलब इसमें बायोडाटा को सेव रखा जा सकता है सिर्फ उसके नेतृत्व से। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी की मंत्रालय ठीक है, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्या कर रहा है, साइबर सुरक्षा के लिए भारत में पहल कर रहा है। ठीक है, भारत पहल के तहत इन्हें 26वीं CISO DP ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, CISO DP ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि प्रतिभागियों को, ठीक है, प्रतिभागियों को उभरते साइबर, ठीक है, प्रतिभागियों को उभरते साइबर खतरों उभरते साइबर खतरों के बारे में बेहतर तरीके से समझाना। ठीक है, क्या हो रहा है लोगों के संग जो फ्रॉड होता है उसको लिए ये कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा भारत की पहल के तहत। ठीक है, 26वीं CISO DP ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम की आयोजन कर रहा है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है जो प्रतिभावी लोग उसमें क्या लेंगे भाग लेंगे उसको उभरते साइबर खतरों के बारे में बेहतर तरीके से समझाना। ठीक है, एक तरीके से साइबर खतरों के बारे में बताना, ठीक है, कि किसी प्रकार के साइबर खतरों से किस तरीके से निपटा जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताना और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बताया तो हर को देखो रास्ता हर कोई देता है मगर उसको सॉल्व भी तो करना चाहिए, उसको भी बताया जाएगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी अगर वीडियो में दिक्कत आ रही हो कमेंट या मतलब किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो किस तरीके से बनाई है, क्या दिक्कत आ रही कहीं पे भी तो आप लोग बता सकते हैं। अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो बता दीजिए, मैं वीडियो को अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जो भी इसमें दिक्कत आएगी देखो बताओगे तभी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जब तक बताओगे नहीं आप लोग तब तक वीडियो में कुछ करेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है।